आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है अपने और पराए दुख में अंतर। महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर नगर गांव गांव घूमते फिरते रहते थे। महात्मा बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। लोगों को उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा का बोध प्राप्त होता था। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक नगर में गए। एक दिन जब महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताइए कि हमें हमेशा अपना दुख ज्यादा और दूसरों का दुख कम क्यों लगता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास एक आलीशान मकान था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उसके घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने घर को जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी एक बात मैंने आपको नहीं बताई। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप कुछ करते क्यों नहीं। पिता ने कहा, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका दूसरा बेटा बोला, पिताजी भैया ने तो सौदा कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार करने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे मकान का सौदा हुआ है। उसने कहा है कि वह ये घर जरूर खरीदेगा और उसके पैसे भी देगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। किसी भी व्यक्ति को दर्द और तकलीफ तभी होती है जब वो उसकी स्वयं की हो। दूसरों की तकलीफ देखकर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।